So we are looking at a couple of questions in quadratic equations. कुछ बहुत स्टूडेंट्स ने देखा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन इसका एक अलग मेथड है सॉल्व करने का. ओके, विच इज़ अ यूनिक मेथड. ओके, तो एक्चुअली कैसे होता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या क्या है. देखो, x माइनस वन है, x माइनस टू है, x माइनस थ्री है. तो जब हम तीनों का एलसीएम लेते हैं तो इनका एलसीएम आएगा x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री, और इसका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी अ क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक एक्सप्रेशन. लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खेलना है, तो इसलिए इसका एक शॉर्टकट है. इसका शॉर्टकट ऐसा है कि हम p को लेते हैं x माइनस टू. ओके, और यहां से हम शुरू करते हैं. फाइन, तो अपना जो p है वो x प्लस टू है. देयरफोर x बिकम्स p प्लस टू. तो x माइनस वन क्या होगा, p प्लस टू माइनस वन विच इज p प्लस वन, और x माइनस थ्री क्या होगा, p प्लस टू माइनस थ्री विच इज p माइनस वन. ओके, सो नाउ द गिवन इक्वेशन बिकम्स वन अपॉन वॉट इज एक्स माइनस वन, इट इज पी प्लस वन. वॉट इज एक्स माइनस टू, इट इज पी प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू इज पी एंड एक्स माइनस थ्री इज पी माइनस वन इज इक्वल टू टू बाई थ्री. ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, p इंटू पी माइनस वन, या फिर एलसीएम लेते हैं, वट एवर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, प्लस p इंटू पी प्लस वन अपॉन p इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन विच इज टू बाई थ्री. तो p कॉमन आ गया न्यूमरेटर में, p माइनस वन प्लस पी प्लस वन अपॉन p इंटू पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन इज टू बाई थ्री. तो ये p इसके साथ कट गया, p प्लस पी टू पी, टू पी अपॉन p इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन इज टू बाई थ्री. तो ये p इसके साथ कट गया, ये टू इसके साथ कट गया. तो अभी मैं कहाँ पे पहुंचा, अभी मेरा इक्वेशन है वन अपॉन पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन इज वन बाय थ्री. अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देयरफोर टी इज इक्वल टू पी प्लस वन इंटू पी माइनस वन विच इज पी स्क्वायर माइनस वन विच इज थ्री. Therefore, p square minus 4 is 0. p square minus 4 क्या है basically? It is p square minus 2 square which is 0. Therefore, p plus 2 into p minus 2 is 0. Okay? तो एक तो p plus 2 0 होगा या p minus 2 0 होगा. अगर p प्लस टू जीरो है तो p माइनस टू होगा, अगर p माइनस टू जीरो है तो p टू होगा. लेकिन p क्या है मेरा, अभी यहां पे देखो, मेरा p क्या लिया था मैंने, p लिया था मैंने x माइनस टू, p वॉज x माइनस टू. तो p मेरा माइनस टू होगा, तो x माइनस टू विल बी माइनस टू
तो एक्स विल बी जीरो और पी होगा मेरा टू, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू, तो एक्स विल बी फोर और ये होगा मेरा आंसर। बहुत यूनिक क्वेश्चन है, मेथड बहुत यूनिक है, समझना बहुत जरूरी है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए एग्जाम में तो इसको फैक्टराइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करते हैं। तो वी से कंपेयर विथ ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू जीरो। तो ए वन क्या मिला मेरे को, वन, क्यों, ये वन एक्स स्क्वायर है। बी वन क्या मिला मेरे को, फाइव, और सी वन क्या मिला, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स। ओके, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन विच इज फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज 25 प्लस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस सिक्स। ओके, विच इज 25 प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए माइनस 24। तो ये बना फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए प्लस वन। इसको इंटरप्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज टू ए प्लस वन द होल स्क्वायर। तो इसलिए बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो होगा इसका स्क्वायर रूट विच विल बी प्लस और माइनस टू ए प्लस वन। ओके, अभी जो रूट है वो रूट कैसे होता है, रूट होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी वन प्लस और माइनस अंडर रूट बी वन स्क्वायर माइनस फोर ए वन सी वन अपॉन टू ए वन। ठीक है, तो अगर रूट से अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा क्या होगा, माइनस बी वन प्लस इसका एक रूट प्लस टू ए प्लस वन। सपोज यहाँ पे प्लस और माइनस अगर नहीं लिया हमने, तो प्लस टू ए प्लस वन अपॉन टू इंटू वन विच इज टू ए माइनस फोर अपॉन टू विच इज ए माइनस टू। ओके, और दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट होगा बीटा, बीटा विल बी माइनस बी वन माइनस टू ए प्लस वन अपॉन टू इंटू वन विच इज माइनस फाइव माइनस टू ए माइनस टू अपॉन टू। ओके, टू ए प्लस वन है ये, तो ये टू ए प्लस टू ए माइनस वन होगा, तो दिस विल बिकम माइनस सिक्स माइनस टू ए अपॉन टू विच इज माइनस थ्री माइनस ए विच इज माइनस ऑफ ए प्लस थ्री। तो मेरा आंसर क्या है, आंसर आए मेरे ए माइनस टू एंड माइनस ऑफ ए प्लस थ्री। ओके, तो दीज टू क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर रूट लोगे आप डिस्क्रिमिनेंट का, उसको केवल पॉजिटिव रूट लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस ऑलरेडी कंसिडर हो रहा है। ओके, फाइन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।